पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तरफ है। और साथ में हमने ये भी देखा कि वहां जो इब्रानी भाषा में परमेश्वर के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है पहले अध्याय में, वो एलोहिम कौन सा शब्द है, एलोहिम। और एलोहिम शब्द अपने में ही बहुवचन को दिखाता है। जैसे अगर मैं कहूं दल, दल एक वर्ड है पर उसके अंदर दल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एक टीम, टीम को कहते हैं ना दल। तो ऐसे एक एलोहिम शब्द अपने में बहुवचन में है और ये सब इशारा है त्रिएकता की तरफ। त्रिएकता के लिए बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं पर किसी भी उदाहरण के द्वारा त्रिएकता को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। उन उदाहरणों के बारे में मैं बात करूंगा परंपर। पहले बाइबल में से कुछ आयतों को देख रहे हैं, उन आयतों को हम पूरा देख लेते हैं। वो सोचते हैं कि पुराने नियम में कौन काम कर रहा था, पिता परमेश्वर। फिर यीशु मसीह पिता परमेश्वर धरती पर आए किसके रूप में, यीशु मसीह के रूप में। उसके बाद यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया तो फिर किस रूप में आ गए, पवित्र आत्मा के रूप में आ गए। ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। त्रिएकता के बारे में ऐसी कई धारणाएं हमारे मन में आ सकती है पर हमें यह देखना है कि बाइबल में क्या स्पष्ट सिखाया गया है। पिता परमेश्वर ही पुत्र है, पुत्र ही पवित्र आत्मा है, ऐसा नहीं। और बहुत से हमारे गाने ऐसे हैं, गीत, कुछ गीतों में भी ये गलतियां की गई हैं। कुछ ऐसे गीत हैं जैसे बहुत अच्छे अच्छे गीत भी हैं, उनमें कुछ शब्द इस तरह से इस्तेमाल हो गए, पता नहीं आप उस गीत को जानते हैं कि नहीं, जहां लिखा है रूह की सूरत में यीशु जब आएगा बंधन सारे टूटते टूटके गिरते जाएंगे, कुछ ऐसा है। तो उस गीत को सुन के ऐसा लग रहा है कि रूप की सूरत में कौन आ रहा है, यीशु आ रहा है। मतलब यीशु चला गया, आप किसकी रूप में, किसके रूप में आ रहा है, पवित्र आत्मा के रूप में आ रहा है। आप जानते हैं ना वो अर्नस मन का ही गाना है। हालांकि उनके गाने सब बहुत अच्छे गाने हैं पर मुझे मालूम है इस गाने को भी उन्होंने सही सोच के साथ लिखा होगा, पर इसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल इस तरह से हो गया कि लोगों को ऐसा लगेगा रूह की सूरत में जब नए यीशु जब आएगा, यानी यीशु जब पवित्र आत्मा के रूप में आएगा। मां से ये कभी ना सोचे कि यीशु चला गया और पवित्र आत्मा के रूप में आ गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं एक और सहायक को भेजूंगा, मैं एक और सहायक को भेजूंगा, मैं सहायक बनकर आऊंगा, ऐसा नहीं कहा, मैं एक और सहायक को। जब हम इस विषय को, ये बहुत कठिन विषय है, पूरी तरह से कोई समझ नहीं सकता है, पर हमें यह देखना है कि बाइबल में क्या स्पष्ट बता दिया गया है। जो नहीं बताया है उसके बारे में तो हम तुक्के थोड़ा बढ़ा सकते हैं, हमारे तुक्कों से विश्वत से काम नहीं चलेगा। बाइबल में स्पष्ट क्या लिखा है उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं एक और सहायक को भेजूंगा। एक उदाहरण त्रिएकता को सिखाते वक्त अक्सर एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे मैं हूं, मैं अपने चर्च के लिए पास्टर हूं, अपनी पत्नी के लिए पति हूं और अपने बच्चों के लिए पिता हूं। मैं एक ही हूं पर मैं किसी के लिए पास्टर हूं, किसी के लिए हस्बैंड हूं और किसी के लिए फादर हूं। पर यह उदाहरण त्रिएकता के लिए इस्तेमाल करना गलत है। क्यों, यहां पर पति पिता और पास्टर एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। तीन लोग तीन नजरिए से देख रहे हैं तो मेरी एक अलग, मेरा एक अलग स्वरूप दिख रहा है। किसी को मैं
पिता के रूप में दिख रहा हूं, किसी को मैं पति के रूप में दिख रहा हूं और किसी को मैं ही पास्टर के रूप में दिख रहा हूं, पर यह त्रिएकता के लिए सही नहीं है। आप समझ गए इस बात को? परमेश्वर पिता ही बाद में यीशु के रूप में दिख रहे हैं या पवित्र आत्मा के रूप में दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे ही सिखाते हैं और यह शिक्षा सरासर गलत है। किया आपने तो आपने कहां कहां से त्रिएकता के बारे में पढ़ा? यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय पर मत्ती रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय 16 और 17 आयतों में आपने देखा। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लेना, मत्ती 3:16-17 यीशु मसीह का बपतिस्मा, मत्ती 3:16-17। कल्ट ग्रुप के अलावा भी, कल्ट ग्रुप के अलावा भी कुछ कलीसियाएं हैं जो त्रिएकता पर विश्वास नहीं करती हैं। वो ये मानते हैं कि एक ही व्यक्ति है परमेश्वर, एक ही व्यक्ति है। उन चर्चेस को, हम लोगों की कलीसियाओं को ट्रिनिटेरियन चर्चेस कहते हैं। ट्रिनिटेरियन चर्चेस मतलब ट्रिनिटी को मानने वाली कलीसियां हैं, ट्रिनिटेरियन चर्चेस। हम किसको मानते हैं? ट्रिनिटी को मानते हैं, त्रिएकता को मानते हैं। पर कुछ कलीसियाएं हैं जो केवल जो कहती हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति ही है, उनको बोलते हैं यूनिटेरियन चर्चेस। यूनिटी, एक यूनिटेरियन चर्चेस। यहां तक कि एक बहुत बड़ा पेंटिकोस्टल चर्च भी है दुनिया का जो यूनिटेरियन है, यूनाइटेड पेंटिकोस्टल चर्च, UPC। अमेरिका वगैरह में उससे बहुत ब्रांचेस हैं, वो लोग यूनिटेरियन हैं। कल या परसों मैं आपको आइजैक न्यूटन के बारे में बता रहा था, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े वैज्ञानिक, जिन्होंने साइंस के जगत को सबसे ज्यादा, जो साइंस के जगत के लिए आशीष का कारण बने। अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी उनका नाम ऊपर ही रहना चाहिए, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने एक बार अपने बारे में कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरे साइंस के लिए याद ना रखें, बल्कि मेरे परमेश्वर के बारे में जो कुछ लिखा है उसके लिए याद रखें। वो इतना परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था और बाइबल की कई पुस्तकों की उसने व्याख्याएं लिखी है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और कई पुस्तकों की व्याख्याएं लिखी है। परंतु आइजैक न्यूटन भी यूनिटेरियन था, ट्रिनिटेरियन नहीं था। वो भी परमेश्वर को त्रिएकता पर विश्वास नहीं करता था, वो कहता था कि परमेश्वर एक ही व्यक्ति। यानी इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने परमेश्वर पर अपना विश्वास दिखाया है, वो भी इस पहेली के अंदर कहीं ना कहीं उलझ गए। यूनिटेरियन चर्चेस जो केवल परमेश्वर को केवल एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। अब यहां मत्ती 3:16-17 पढ़ाने के लिए समय हमारे पास कम है, इसलिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं, बपतिस्मा की सेवकाई से पहले जरूर यह आयत पढ़वाई जाती है, हाँ या नहीं? और जब बपतिस्मा की सेवा होती है तब भी हम इस आयत को पढ़कर ही शुरू करते हैं। यहां लिखा है कि यीशु मसीह, इस पैसेज के अंदर आप पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को बिल्कुल अलग अलग देख सकते हैं। आकाशवाणी हुई, क्या आकाशवाणी हुई? यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। किसने बोला? क्या यीशु ने बोला? यीशु तो धरती पर थे, यीशु तो धरती पर अपने पूर्ण अवतार में थे और यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा ले रहे थे। तो वो आवाज किसकी है? वो आकाशवाणी किसने की? क्या ऐसी हो गई? किसने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं? इसकी आवाज है वो निश्चय ही पिता परमेश्वर की आवाज। फिर लिखा है जब यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर आए तो
तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा कबूतर की, कबूतर के समान। तो ये मत सोचना कभी कि पवित्र आत्मा कबूतर है। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, पर पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सी ऐसी धारणाएं हमें हो जाती है। हम सोच बैठते हैं कि पवित्र आत्मा कबूतर है। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है। कबूतर की नाई कबूतर के रूप में किसके ऊपर उतरा? यीशु मसीह के ऊपर उतरा। तो वहां पर हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को बिल्कुल अलग अलग हम देखते हैं। उसके बाद उसके अगले अध्याय में जब चौथा अध्याय खोलते हैं, कौन से जील में से? मत्ती का सुसमाचार चौथा अध्याय। चौथा अध्याय किस तरह से शुरू होता है? हाँ पढ़िए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। देखो, आत्मा यीशु को जंगल में ले गई। ले गई? आप अपनी बाइबल देख रहे हैं कि नहीं? ले गया। अगर एक हिंदी पंडित इसको पढ़ेगा, अगर एक हिंदी पंडित इसको, हिंदी का ज्ञानी इसको पढ़ेगा, तो कहेगा कि ये तो बाइबल में गलत लिखा है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गई होना चाहिए, पर यहां क्या लिखा है? ले गया, यानी ये इंसान के आत्मा के बारे में नहीं लिखा है। यहां आत्मा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए लिखा है तब पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बोल रहे हो तो वहां पुल्लिंग इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा मेरे साथ रहती है मत बोले, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता है। व्याकरण के नजरिए से ये गलत है, पर सत्य के नजर से यही सही है। ये फर्क हमेशा अपने ध्यान में रखें। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। यहां अलग साफ दिख रहा है ना, यह साफ दिख रहा है कि आत्मा कोई और है, आत्मा कोई पवित्र आत्मा कोई और है। ये थोड़ा कि यीशु ही पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा खुद से बोल रहा है। तो इतना हमें साफ समझ में आ रहा है कि यहां हमें बिल्कुल अलग अलग व्यक्ति दिख रहे हैं। स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, जाओ सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता पुत्र और ये कहां लिखा है? जल्दी से बोले, मत्ती 20वां अध्याय 28वां अध्याय 1940। कई लोग तो आराम से लिख लेंगे मत्ती 20 अध्याय। कौन सा अध्याय है? 28 अध्याय 18, 19, 20। ये तो सबको याद है। इसको क्या कहते हैं? ग्रेट कमीशन। क्या कहते हैं? ग्रेट कमीशन, महान आदेश, महान आदेश। यहां पर भी हम पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को बिल्कुल अलग अलग हम देखते हैं। दूसरा करुणियों आखिरी अध्याय 13 अध्याय उसके अंतिम आयत में आशीर्वाद का फॉर्मूला बताया गया है, जो हम सभाओं के अंत में आशीर्वाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिता परमेश्वर का। आप चुप क्यों रहते हैं? क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आया। ये दिल्ली में जाकर मैं समझने की कोशिश करूंगा। आप क्योंकि आप सब सेवक हैं, अधिकांश लोग पास्टर हैं, मीटिंग के बाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? बहुत से प्रभु के दास लोग अंतिम आशीर्वाद के साथ बड़ी अवहेलना करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब अंतिम आशीर्वाद बोलते हैं तो बहुत ही ध्यान करते हुए आराम से जल्दीबाजी में कभी मत बोलना। पिता परमेश्वर ऐसे मत बोलना, कभी मत करना, क्योंकि आप परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। तौहीन मत करना, बहुत ही गंभीरता से बड़े ध्यान से महसूस करते हुए ही अंतिम आशीर्वाद हमेशा कहिएगा। चाहे कितनी ही जल्दी हो, मारा मारी हो टाइम की, आप तसल्ली में आए पहले, शांत हो जाएं, अंदर महसूस करें, हाथ उठाएं और बोले। क्या बोलेंगे?
पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति, यहां सहभागिता हमेशा हम सब के साथ बनी रहे या होती रहे। एक बार मैंने केवल इस आयत के ऊपर, ये कौन सी आयत है, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 14वीं आयत, आखिरी आयत है वहां पर, एक बार मैंने केवल इस आयत के ऊपर से एक प्रचार किया था जिसमें लोगों को यह समझाया था कि इस आशीर्वाद के अंदर मसीही जीवन के लिए जो कुछ चाहिए सब इस आशीर्वाद के अंदर है। इस आशीर्वाद के अंदर सब कुछ है जो कुछ हमें चाहिए, हमारी सेवकाई के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए जो कुछ चाहिए वो सब मात्र इस आशीर्वाद के अंदर है। इसलिए जब भी आप आशीर्वाद बोलते हैं काम मालूम, बच्चे सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, बच्चे अंतिम आशीर्वाद से प्यार करते हैं। इसलिए नहीं कि उनको समझ में आ रहा है कि उसमें क्या क्या मिलने वाला है, उनको इतना समझ में आ जाता है कि मीटिंग खत्म हो गई है। पर हम लोग मीटिंग खत्म करने के लिए अंतिम आशीर्वाद ना बोले, हम अंतिम आशीर्वाद बोले क्योंकि उसके अंदर एक बड़ा धन छिपा हुआ है। चलो वो नहीं हमारा विषय, हमारा विषय क्या है, वहां पर भी स्पष्टता से त्रिएकता, त्रिएक परमेश्वर, अलग अलग पिता परमेश्वर का प्यार, पुत्र यीशु मसीह का फजल अनुग्रह है और पवित्र आत्मा की सहभागिता, ये पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के जो तीन मुख्य रोल है, जो तीन मुख्य काम है। ऐसा नहीं है कि पुत्र यीशु मसीह का प्यार नहीं है और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह की सहभागिता नहीं है, परंतु आज धरती पर पवित्र आत्मा हमारे साथ 2400 घंटे रहता है। परमेश्वर के साथ की हमारी सहभागिता हम पवित्र आत्मा के द्वारा अनुभव करते हैं, इसलिए वहां पवित्र आत्मा के साथ प्यार या पवित्र आत्मा के साथ अनुग्रह नहीं बोला है, पवित्र आत्मा के साथ क्या बोला है, सहभागिता। हालेलुया। तो बहुत स्पष्टता के साथ वहां पर त्रिएकता को दर्शाया गया है। कुछ और आयतों को मेरे साथ जल्दी जल्दी पढ़े, यूहन्ना का सुसमाचार, उसके आगे भी मैं कुछ बातें इस सेशन में बताऊंगा, खत्म होने से पहले उसमें यह आयतें काम आएंगी। यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 44वीं आयत से नीचे पढ़े, यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 44, 45 और 46 तीन आयतों को पढ़े। कोई मेरे पास नहीं आ सकता हाँ जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है हाँ उसे खींच न ले। ठीक है, ये कौन कह रहा है, यीशु मसीह के शब्द है, यीशु मसीह के शब्द। यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक पिता किसी को आकर्षित ना करे, जब तक पिता किसी को आकर्षित ना करे तब तक कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। यहां पर आप पिता और पुत्र के भूमिकाओं के बीच में फर्क देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहां से एक और बात स्पष्ट हो जाती है जो हमारा विषय नहीं है, वो ये कि जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो किसी का उद्धार हमारे शब्दों की श्रेष्ठता के कारण नहीं होता है, किसी का भी उद्धार हमारे ज्ञान के प्रदर्शन के द्वारा नहीं होता है, किसी का भी उद्धार हम जो सबूत पेश कर रहे हैं उसके कारण भी नहीं होता है। उद्धार दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। पर्सनली अगर आपसे कहूं, मैं बचपन से पढ़ता रहता था, बहुत छोटी उम्र से पढ़ता रहता था, उसी पढ़ने के कारण मैं बाइबल से दूर भी हुआ, विज्ञान से ज्यादा प्यार करने लगा, विज्ञान में जो बातें सिखाई जाती हैं उन बातों को मानने लगा, बाइबल से काफी दूर हो गया, परमेश्वर से काफी दूर हो गया उसी पढ़ने के कारण। बहुत छोटी उम्र से पढ़ना सवाल करना, पढ़ना सवाल करना,
तो बहुत सा ज्ञान अर्जित करता था। उसके बाद जब प्रभु की सेवकाई के लिए निकला, प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, तब से लेकर तो बाइबल को फिर सवाल पूछने के लिए नहीं पर अपने आत्मिक उन्नति के लिए हम लगातार पढ़ने लगे। मैंने आपको यह भी बताया कि सेवकाई में निकलने के बाद जो पहला काम मैंने किया वो ये था कि लगातार उत्पत्ति एक अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय तक लगातार 4-5 बार पूरी बाइबल पढ़ने के बाद ही सेवा के अंदर पहला कदम लिया। क्या मेरे साथ है? थक तो नहीं गए? बिल्कुल नहीं गए? तो जो थक गए वो बोले हालेलुया, और जो नहीं थका है वो दिल से बोले हालेलुया। बहुत अच्छा, क्योंकि हालेलुया शब्द के अंदर ही क्या छिपा हुआ है? ऊंचे ऊंची आवाज में बोलने की बात छिपी हुई है। हलाल, हलाल उसी के अंदर छिपा हुआ है, जिसका मतलब है ऊंचे शब्द से बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताऊं, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि किसी का उद्धार कैसे हो जाता है। अरे उद्धार कैसे हो जाता है? उसका एक ही जवाब है कि उद्धार एक चमत्कार है। कभी ये ना सोचे कि कोई पढ़ा लिखा इंसान प्रचार करेगा तो ज्यादा लोगों का उद्धार हो जाएगा, कोई अच्छा बोलने वाला प्रचार करेगा तो बहुत से लोगों का उद्धार हो जाएगा। आप चाहे कुतला के बोलते हो, आप चाहे बहुत अच्छी भाषा ना जानते हो, आप जितना जानते हैं विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा करते हुए प्रार्थना करके आप बोलिए, क्योंकि हमारे शब्दों के द्वारा नहीं चमत्कार के द्वारा उद्धार होता है। यहां यीशु मसीह ने कहा, जब तक पिता किसी को मेरी ओर आकर्षित ना करे तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। इसलिए निकलने से पहले प्रार्थना करना, परमेश्वर मैं तो जाके बोलूंगा, मेरे शब्दों में ताकत नहीं है, मेरे शब्दों में ताकत नहीं है। हो सकता है कोई मूसा की तरह बोले, प्रभु मेरी तो जीभ दुखलाती है, मेरी तो जीभ मोटी है, मैं क्या करूंगा, पर मैं जा रहा हूं। पर जब मैं जाकर बोलूं, हे पिता परमेश्वर तू लोगों को यीशु की तरफ आकर्षित करना, तब आप देखेंगे आपके पेट में चमत्कार होने लग जाएंगे। हालेलुया। तो यहां यीशु मसीह ने कहा, जब तक पिता मेरी और किसी को आकर्षित ना करे तब तक वो मेरे पास आ नहीं सकता। आगे पढ़े, जितना मुझे भेजा है हाँ जी उसे खींच ले, हाँ, और मैं उसे अंतिम दिन फिर दिलाऊंगा। ठीक है, आगे पढ़े, आगे पढ़े, 45-46 पढ़े, हाँ 45 पढ़ लीजिए। भविष्यवक्ता के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए। इससे पहले की आयत में यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तक पिता किसी को मेरी ओर ना खींचे। फिर 45वीं आयत में लिखा, जब तक 45वीं आयत में लिखा है परमेश्वर के द्वारा सिखाया जाना। यानी दोनों आयतों को जरा जोड़िए, या यीशु मसीह पिता को क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं। आगे पढ़े 46। अच्छा, इस 45 को पूरा कर लीजिए, पूरा नहीं हुआ। इसलिए पिता से जिसने सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यानी जब हम सुसमाचार सुना रहे होते हैं तो एक्चुअल में पिता उनको सिखा रहा होता है। हालेलुया। ये है उद्धार का चमत्कार, ये उद्धार का चमत्कार। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। यानी इस 45वीं आयत में यीशु ने किसको परमेश्वर बोला है? पिता को ही परमेश्वर बोला है। 46 भी पढ़ लीजिए, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है हाँ, उसी ने पिता को देखा है। वाह, यहाँ पर भी 46वीं आयत में भी पिता को क्या बोला है? परमेश्वर बोला है। आगे बढ़े, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। अब यहाँ पर छोड़ दें, रोमियो की पत्री में जाए, पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़े, पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत को। उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं, परमेश्वर के प्यारे हैं, बिलवड ऑफ गॉड, हाँ, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हाँ, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह
हमारे पिता परमेश्वर। पिता को क्या कहा गया इस आयत में? परमेश्वर। मैं कुछ आयतें पढ़वा रहा हूं जहां पर पिता को परमेश्वर के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। पिता परमेश्वर, यूहन्ना में से हमने देखा, पौलुस की पत्री में से हमने देखा। अब पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत को पढ़े। पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत को पढ़िएगा। पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत, किसी ने नहीं निकाला, कोई भी निकाल के पढ़ सकता है। और परमेश्वर पिता की भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा को पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू में झिड़क जाने के लिए चुने गए। यहाँ पर भी आप कितने व्यक्तियों को देख रहे हैं? दो। कितने व्यक्तियों को आप देख रहे हैं? तीन। पिता परमेश्वर का भविष्य ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र जो भी जिस तरह से भी हिंदी में लिखा है, हाँ पढ़े क्या लिखा, वो पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा की आज्ञा मानने से, ठीक है। और फिर यीशु मसीह के, तीन व्यक्तियों को आप देखते हैं, तीन व्यक्तियों को अलग अलग आप देख रहे हैं और अलग अलग भूमिका में देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं और अलग अलग भूमिका में अलग अलग काम में देख रहे हैं। पर यहां दूसरी आयत शुरू कैसे होती है? एक और बार दूसरी आयत को पढ़े। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। ओके, पिता को क्या कहा गया है? मैंने पिता को क्या कहा गया है? परमेश्वर। तो हमने तीन आयतें अभी देखी हैं जहां पर बहुत स्पष्टता से पिता को परमेश्वर कहा गया है। अब हम आगे बढ़े, जो आप जानते हैं आयत को, यूहन्ना एक के एक में क्या लिखा है? यूहन्ना एक के एक में क्या लिखा है? आदि में, हाँ सब लोग बोले, आदि में वचन और वचन परमेश्वर था। वहां कौन है ये वचन? ये वचन कौन है? यीशु मसीह। कौन है ये वचन? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को कौन कहा गया है? परमेश्वर। यीशु मसीह को परमेश्वर कहा गया है। पहला तीमोथियुस की पत्री, तीमोथियुस की पहली पत्री, सोलहवीं आयत पढ़े। बहुत ही अच्छी आयत, हिंदी में देखें कैसे लिखा है, पढ़िएगा। पहला तीमोथियुस तीसरा अध्याय उसकी सोलहवीं आयत। संदेह नहीं कि मूर्ति का भेद गंभीर है, अतः वो जो शरीर के प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी है, बाकी दूसरों पर बुराई किया, और जो जातियों में इसका खोजा हुआ जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया। ठीक है, यहाँ जो हिंदी में वह से शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है? वह जो शरीर में, पर बहुत से अनुवादों में, बहुत से अनुवादों में खास करके इंग्लिश बाइबल में आप देखेंगे, जैसे मैं अपनी इंग्लिश बाइबल पढ़ता हूं, यहां लिखा है गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश जस्टिफाइड इन द स्पिरिट। परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, परमेश्वर जो शरीर में, परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, यानी किसको परमेश्वर कहा गया? यीशु मसीह को। इसकी अगली पत्री को देखें, तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय, तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय। इन आयतों को लिखिएगा ताकि आप बाद में ढूंढें तो मिल जाए। तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय उसकी तेरहवीं आयत, तीतुस की पत्री। सब लोग बाइबल खोलें, सब लोग बाइबल खोलें। आप कोई और पढ़ेगा तो आपको उससे फायदा नहीं होगा, आप अपने बाइबल खोल के उसमें फॉलो करें।
हाँ कोई एक जन ऊंची आवाज में पढ़कर मदद करे। हाँ कौन सी धन्य आशा अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धार करता हाँ यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते हैं। हम क्या कर रहे हैं अभी? हम बात जो रहे, हम इंतजार कर रहे हैं बात जो रहे, जैसे दुल्हन अपने दुल्हन के लिए बाट जोती है, हम इस वक्त बाट जो रहे, हम इंतजार कर रहे। ये दुनिया नहीं मेरा घर, मैं तो मुसाफिर हूं, मेरी संपत्ति कहां है? नीले गगन के पास है। ये नहीं हमारा घर, यहां तो हम मुसाफिर हैं, ये हमारा स्वदेश नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं किसके लिए? यीशु मसीह दोबारा आएगा। तो इस आयत में देखिए वहां लिखा है महान परमेश्वर एवं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। कितने स्पष्ट लफ्जों में यीशु मसीह को क्या कहा गया है? परमेश्वर। क्या कहा गया है? परमेश्वर। स्पष्ट लफ्जों में यीशु मसीह को क्या कहा गया है? परमेश्वर। पहले जो हमने आयतें पढ़ी उनमें पिता को स्पष्ट रूप से परमेश्वर बताया गया, अब जो हम आयतें पढ़ रहे हैं उसमें यीशु मसीह को स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर कहा गया है। दो तीन पन्ने और पलट लीजिए, इब्रानियों की पत्री में आए, इब्रानियों की पत्री में आए और उसका पहला अध्याय और उसकी आठवीं आयत को ऊंची आवाज में पढ़े। पहला अध्याय उसकी आठवीं आयत, परंतु पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर, पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का, तेरे राज्य का राजदंड, हाँ न्याय का राजदंड है। बेटा सेशन खत्म हो रहा है तो नए नए लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मुझे मालूम ही नहीं था इतनी आवाज वाले लोग यहाँ बैठे हुए, छुपे रुस्तम बैठे हुए। तो यहाँ क्या लिखा? पुत्र के बारे में कहा गया, पुत्र के बारे में उसने कहा, किसने कहा? पिता परमेश्वर ने कहा। क्या कहा? हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग या सदा का है। किसका सिंहासन? पुत्र का सिंहासन। और पुत्र को क्या कहा गया है?